बजट के बारे में भी कंट्रोवर्सी है, कितना बजट खर्च हो रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम में, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 20000 करोड़, कितना हो रहा है? अभी देखो क्या क्या डालते हो उस बजट में। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ गेम्स का नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द गेम्स तो है सिर्फ 1600 करोड़ रुपया, बट अभी आप लोग एयरपोर्ट भी डाल दो उसमें, या मेट्रो जो आ रहा है उसका भी पैसा इसमें डाल दो, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो भी डाल दो, दैट्स दीज गेम्स ऑफ 15 डेज, बट उसके बाद ये दिल्ली वालों के लिए है। नहीं, आप कहना चाहते हैं कि गेम्स के ऊपर खर्चा जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो सिर्फ 1600 करोड़ है, बाकी 16000 करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं वो बाकी चीजों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो रहा है, स्टेडियम्स के लिए हो रहा है, बट नॉट फॉर द गेम्स। इतना बाकी देशों में खर्च होता है, इतना सारा 16000 करोड़ होता है, बिल्कुल हो जाता है, सब कॉमनवेल्थ गेम्स में इतना ही खर्चा हुआ है, ओलंपिक्स में तो ज्यादा खर्चा होता है, $4 बिलियन जिसको बोलते हैं ओलंपिक्स में खर्चा होता है। जैसे आप बीजिंग, आप भी गए थे बीजिंग में जब शुरू हुआ था ओलंपिक, उससे पहले मैं गया था तो मैंने देखा सारा 6 महीने पहले तैयार था, वहां प्रैक्टिस हो रही थी, आपके अभी तो कुछ तैयार भी नहीं है वहां पर, इसका कहीं ना कहीं प्लानिंग में गलती आपसे हुई ना? नहीं, अभी सब कुछ टाइम पे है, थोड़ा एक दो स्टेडियम थोड़ा लेट हो गया बस, बट बाकी ऑर्गेनाइजिंग ऑफ गेम्स में कुछ फर्क नहीं है। सवाल यह है कि जो ऑर्गेनाइजिंग करनी है इसके अंदर इतनी पॉलिटिक्स क्यों आ रही है आपके? नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सब लोग टीम बोल के काम कर रहे हैं, ओलंपिक कमेटी टीम बोल के काम कर रही है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टीम बोल के काम कर रही है, और आज हमारे पास तब ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, आर्म फोर्सेस के लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। रिटायर्ड लोग ज्यादा रखे हुए हैं आपने? रिटायर्ड तो आराम से मिल जाते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस लोग मिल रहे हैं। अगर आपसे एक कारण पूछूं कि इतना डिले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में क्या हुआ, क्योंकि एजेंसीज ने काम को ज्यादा बढ़ा लिया जितना जरूरत नहीं होता? देखिए, यहाँ दिल्ली में तो आपको पता है कितना क्लियरेंस लगता है, एक एनडीएमसी का क्लियरेंस, एक वो जो एनवायरमेंट कमेटी उसका क्लियरेंस, फिर एमसीडी का क्लियरेंस, सबका सिक्का लगना पड़ता है, फिर ही काम शुरू होता है, तो काम स्टार्ट होने में थोड़ी देर। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अभी थोड़े दिन पहले कहा, आज जब वो भी अभी अभी उन्होंने कहा कि ये सब एक साल पहले तैयार हो जाना चाहिए था, अभी वो भी अभी एक साल पहले मंत्री बने ना, उसके पहले काफी मंत्री दूसरे मंत्री थे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उसके बाद अच्छा काम किया, बट मनीष शंकर जी दे डिडंट बिलीव इन द गेम्स एट ऑल, तो उसकी वजह से नुकसान हुआ आपको लगता है? बिल्कुल नुकसान हुआ है, बिल्कुल नुकसान हुआ है। तो अगर मैं कहूँ कि विलेन का कौन है इसका विलेन, तो आप मनीष शंकर अय्यर को मानेंगे? वो नहीं, बट उनके पीरियड में तो काम सब थोड़ा पीछे गया, उसकी जिम्मेदारी है ना उनकी, मनीष शंकर अय्यर मैं कह रहा हूँ कि अगर वो विलेन है इस गेम्स के, वो विश्वास नहीं करते थे, विलेन का नाम नहीं लूंगा, बट उनके टाइम पे थोड़ा धीरे हो गया सब। सिक्योरिटी का खतरा जो देश में बना हुआ, देखो ये सिक्योरिटी तो हम खतरा जो है ये ग्लोबल परसेप्शन जो है, एंड अवर नेबर्स को भी लेके जो परसेप्शन है, तो काफी बाकी देशों में चिंता जरूर है, एंड हमेशा पंतप्रधान भी जब हम बात करते हुए देखते हैं कि सब सिक्योरिटी होना चाहिए, होम मिनिस्ट्री का जवाब दिया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को जवाब दे दिए है, और हम लोग रेगुलर कम्युनिकेशन रखते हैं सब कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन के साथ, अभी सिक्योरिटी कमांडर्स मीटिंग हम हर 6 महीना लेते हैं, तो सब लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के आते हैं, सब सिक्योरिटी देखते हैं, और पिछले सिक्योरिटी मीटिंग 3 महीने पहले हुआ, अभी और एक सिक्योरिटी मीटिंग 3 महीने के बाद होने वाला है, कॉमनवेल्थ गेम्स के भी सिक्योरिटी एडवाइजर भी आके हमें रिपोर्ट देते हैं, तो काफी हम ध्यान सिक्योरिटी की तरफ दे रहे हैं उन्होंने। और अभी जो आईपीएल का शुरू हुआ है, ये भी एक डिफरेंट आईपीएल तो बाहर ही चलेगा ना, वो अभी वो दूसरा चीज हो गया, तो भी पाकिस्तान भी बोल रही है, रिएक्ट कर रही है कि हम हॉकी वर्ल्ड हॉकी को नहीं आएंगे, तो ऐसे अभी क्रिकेट जो है इस देश में काफी क्रिकेट ही होता है, बाकी सब गेम्स को बाद में बात करूंगा। आपने सिक्योरिटी की बात की तरफ आए कि सिक्योरिटी जो कि एक मेजर कंसर्न है, आपने कहा कमांडर जो है कॉमनवेल्थ गेम के सिक्योरिटी कमांडर हैं, उसे मीटिंग लोगों ने आपको, सो दे हैव गॉन बैक वेरी सेटिस्फाइड, और सब कॉमनवेल्थ गेम एसोसिएशन को अभी धीर आया है कि अभी सिक्योरिटी ठीक होगा, पूरा विश्वास है आपकी सिक्योरिटी के ऊपर अभी उनको? अभी इंग्लैंड ने कहीं सुना था, मैंने कहा था कि हम पार्टिसिपेट सिक्योरिटी की वजह से शायद नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो स्ट्रेट अवे सीजे का एक दो प्लेयर्स ने कहा था, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड उन्होंने कहा जरूर हम लोग सब आएंगे। एंड आई वांट टू टेल यू द ऑस्ट्रेलिया का जो टीम मैनेजर है, अभी उन्होंने कहा कि हम सबसे बड़ा स्क्वाड इंडिया लाएंगे, 450 लोगों की स्क्वाड देश में ला रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। तो सिक्योरिटी के एरिया में कोई आपको खतरा नहीं है, पूरे तरह प्रोटेक्टेड रहेंगे हमारे? वी हैव टू बी अलर्ट, हमें तो अलर्ट तो वैसे रहना पड़ेगा, वी हैव टू बी अलर्ट बिकॉज द सिचुएशन इज सच, वी हैव टू बी अलर्ट एंड मेक श्योर नथिंग गोज रॉन्ग।